आप तमाम नासरीन का एवरी टाइम्स न्यूज चैनल में खैर मकदम है। राजेंद्र नगर DCP जगदीशवर रेड्डी ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद करते हुए दो मुख्तलिफ गांजा गैंग के केसेस का इंकशाफ किया। इन्होंने मीडिया से खिताब में बताया कि पहले केस में राजेंद्र नगर स्पेशल ऑपरेशन टीम और मेलारदेवपल्ली पुलिस ने बाहमी तौर पर कार्रवाई करते हुए एक बैंड रियासती गांजा गैंग का पर्दाफाश किया और इनके कब्जे से 80 किलोग्राम गांजे को जब्त कर लिया। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन की शिनाख्त अप्पा गुलाब, अशोक अर्जुन मोहिते, संतोष शिवाजी, सलमा बेगम, सपना गंगाधर है, जबकि इस खसूस में मजीद एक और खातून मुलजिम यशोरी बाई अभी भी पुलिस की गिरफ्त से मफरूर बताई जा रही है। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से 80 किलोग्राम गांजा, 5 मोबाइल फोन, जुमला 16 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को सीज कर लिया। जबकि दूसरे केस में राजेंद्र नगर स्पेशल ऑपरेशन टीम और मेलारदेवपल्ली पुलिस ने मिलकर रियासत आंध्र प्रदेश से गांजा स्मगल करने वाले एक गैंग की गिरफ्तारी अमल में लाई। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन की शिनाख्त बोगाम सुरेंद्र, बोंड नायक मोंडीपल्ली और न्याक्रम बालकृष्णा है। इनके कब्जे से 2.12 किलोग्राम गांजा, मोबाइल फोन, जुमला 7 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लिया गया। आइए जानते हैं इस खसूस में मजीद तफसीलात एवरी टाइम्स न्यूज चैनल के साथ। सर विन मैलादेवपल्ली पुलिस स्टेशन में गांजा जो लेके जा रहे थे परमपुर उड़ीसा से लेके वया आंध्र प्रदेश इच्छापुरम से लेके अपना तेलंगाना स्टेट के अंदर से बीड डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र जाने का वो प्लान था। वो लोगों को अपना मैलादेवपल्ली पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में इंटरसेप्ट करके वो 80 केज गांजा बरामद करे और 5 मोबाइल फ़ोन भी बरामद करे और 5 एक्यूज्ड मुजरिमों को अपना कस्टडी में रियासत में लिए अभी अदालत में भी पेश करे। इसमें यशोदा भी बोल के जो ब्रह्मपुर की औरत वो सप्लाई करा बोल के बोल रहे थे अपना, इसका अशोक अर्जुन है, उसका संतोष शिवाजी बोलते हैं और सलमा बेगम है, स्वप्ना गंगाधर है और एक अप्पा गुलाब है। ये 5 जने अपने कस्टडी में है। यशोदा भी अकेले पकड़ने का है। अभी ये लोगों को वहाँ से लेके ये लोगों का प्लान अपना चूड़ियाँ चूड़ी बोलते हैं चूड़ियाँ पहनने का चूड़िया कवर में ये लोग चूड़ियाँ बेचने वाले हैं बोल के पूरा उसको ऊपर से जब जो DCM में जाता है या और कोई गाड़ी पकड़ के जाता है उसके ऊपर से ये पूरा चूड़ियाँ डालते हैं। दूसरा अगर कोई देखे तो चूड़ी बिजनेस करने वाले औरत लोग हैं, ये ऐसा समझ के पुलिस वाले वो नहीं देखता बोल के वो ट्रांसपोर्ट करने का वो बीच में पकड़ लिए थे। ये एक्चुअली बीड महाराष्ट्र को जाने वाला था, वैसी अपना राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स के अंदर अपना ये वीड आयल बोल के 2.5 kg वीड आयल भी बरामद करे। उसमें भी अपना सुरेंद्र बोल के एक बंदे को अभी वो अपने एक्यूज्ड एब्सकॉन्डिंग है। बाकी जो राधा कृष्ण है, जो बालकृष्ण है, जो आनंद राव ये 3 जने अभी अपना रियासत में अपना कस्टडी लिए हैं, वो अदालत में पेश करेगा। ये लोगों के तरफ से अपने को 7.5 lakhs मतलब वीडाइल 2.5 kg का वीडाइल और 3 मोबाइल बरामद करे, 5,000 रुपये भी सीज करे। इसके बाद में वो लोगों को अदालत में पेश करेंगे। सर ये 5 kg प्रॉपर कहाँ पर है? अभी देखिए वो पूरा महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, थोड़ा उसमें पुणे से 2 जने हैं, एक औरंगाबाद से है और 2 जने वहाँ बीड का ये डिस्ट्रिक्ट से सनील गुट का।
सैंडलवुड का। ये सैंडलवुड का जो है छोटा अपना 20 किलो का सैंडलवुड है, इसमें जो श्रीनिवास बोल के एक बंदा जो अपना कलवाकुर्ती एरिया में जो तांडव में वहाँ पर ये लोग अपना सैंडल ट्रीज को पालते हैं, वहाँ से अनऑफिशियली उन्होंने क्या करता है उसको जरा ठीक होने के बाद अपना शागा बोलते हैं तो उसको वो होने के बाद वो कट करके इसको सप्लाई करते हैं। उन्होंने जुमला अपना मदनपल्ली की ठंडा के एक छोटा फैक्ट्री है उसमें बेचते हैं और नहीं तो दूसरों को भी बेचते हैं 1-20 किलो बराबर। हज व उमरा की बेहतरीन खिदमात का भरोसेमंद नाम अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुकदस मुकामात की ज्यारत, डायरेक्ट फ्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 85,900 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग, उजलत करें देर ना कीजिए, इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं। अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग। मजीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 0404854 9586 पर भी राब्ता कर सकते हैं।